गुड मॉर्निंग एवरी वन विद विथ अवर नेक्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चरल टैक्सेशन जो एग्रीकल्चर है उसे भी टैक्स नेट के अंदर लाना चाहिए जिससे जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज होगा और जो गवर्नमेंट है उसको डेफिशिएट फाइनेंसिंग और पब्लिक डेप्ट के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो एफिशिएंसी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की उसे इंप्रूव करना चाहिए जिसकी वजह से जो फेयर रिटर्न है कैपिटल पर वो ऑन कर सके और उसे आप दोबारा से री इन्वेस्ट भी कर सकते हो और फिर जो गवर्नमेंट है उसे डेफिशिएट फाइनेंसिंग और लॉन्ग जो पब्लिक डेप्ट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर के लिए जो एंटरप्राइजेस हैं उनको कमर्शियल लाइन के ऊपर मैनेज करना चाहिए ज्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए मैनेजर्स को जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के हैं इन्हें प्रोफेशनल्स मैनेज करें बजाय ब्यूरोक्रेट्स के देन वाइड स्कोप ऑफ टैक्सेस जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लार्ज पॉपुलेशन है उसे टैक्स नेट के अंडर लाया जा सके और इससे ना सिर्फ गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा बल्कि जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो सोशल वेलफेयर के ऊपर वो भी इंक्रीज हो सकता है देन नेक्स्ट इज मोर डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा इंपोर्टेंस देनी चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस को बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो गवर्नमेंट है वो एक्सपैंड करे स्कोप डायरेक्ट टैक्सेस का क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पुअर पॉपुलेशन के ऊपर तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है डायरेक्ट टैक्सेस से वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस दे नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैक्स इवेशन स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए टैक्स इवेशन को चेक करने के लिए इसके लिए जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है उसे ज्यादा एफिशिएंट और स्ट्रिक्ट बनाइए ताकि अगर कोई भी टैक्स को इवेड करता हुआ पाया जाता है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जाए मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स जो है उसे रिड्यूस करना चाहिए और जो पीपल हैं जो टैक्स को इवेड करते हैं उन्हें बेनिफिट नहीं होगा उस चीज से फिर तो जो आपका लिटिल uh, क्योंकि टैक्स होगा तो वो प्रेफर करेंगे कि टैक्स दें The next is your progressive text. स्ट्रक्चर जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको प्रोग्रेसिव बनाना चाहिए ताकि जो बर्डन है वो रिच के ऊपर ज्यादा आए देन हायर टैक्स रेट जो है वो चार्ज किए जाने चाहिए रिच क्लास से और लोअर टैक्स रेट चार्ज किए जाने चाहिए मिडल क्लास से जो लग्जरी गुड्स हैं उन्हें हायर रेट से टैक्स किया जाना चाहिए जबकि जो नेसेसरी गुड्स हैं उन्हें लोअर रेट से टैक्स किया जाना चाहिए देन नेक्स्ट इज सिंपल टैक्सेशन सिस्टम जो टैक्सेशन सिस्टम है कंट्री का उसे सिंपल रखना चाहिए इससे टैक्स इवेशन भी चेक होगी और जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी इन पेइंग दी टैक्सेस नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ लॉस मेकिंग पीएसयूज़ जो लॉस मेकिंग पीएसयूज़ हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए जिससे जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा देन रिड्यूसिंग दी प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफिंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओवर स्टाफ हैं तो जो सरप्लस स्टाफ है उन्हें डाउन साइज किया जाना चाहिए देन रिडक्शन इन सब्सिडीज वेरियस सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है जैसे फूड सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी पेट्रोलियम सब्सिडी एक्सपोर्ट सब्सिडी एक्सेक्ट्रा और ये जो सब्सिडीज है उनको रिड्यूस किया जाना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है उसके ऊपर अनड्यू बर्डन ना पड़े देन इनकरेजमेंट टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑल दो पास्ट इंक्रीज किया है लेकिन स्टिल बहुत वाइड स्कोप है उसमें फर्दर के लिए तो दिए जाने चाहिए टू प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट स्ट्रिक्ट इम्पलीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए ताकि जो लीकेज ऑफ फंडस है उसे चेक किया जा सके और इंश्योर किया जा सके कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑफ ऑफ इंक्रीज इन डेफिशिएट डेफिशिएट और ये कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि डेफिशिएट जो है फिस्कल डेफिशिएट जो है वो इंक्रीज कर रहा है फिस्कल डेफिशिएट का मतलब है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है गवर्नमेंट की इनकम से तो उस जो अमाउंट ऑफ लोन है जो गवर्नमेंट रेज कर रही है उसको हम गवर्नमेंट इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो फिस्कल पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है एक्सटेंड ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का फिस्कल डेफिशिएट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट मेन कॉज जो है फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिशिएट वो कौन कौन से हैं फर्स्ट इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट ऑन डेट इंडिया मेजर डेप्टर कंट्री है वर्ल्ड का एवरी ईयर गवर्नमेंट को लार्ज अमाउंट पे करना पड़ता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स और ये जो पेमेंट है इंटरेस्ट की वो इंक्रीज होती है और जिसकी वजह से जो फिजिकल डेफिशियट होता है वो भी इंक्रीज होता है लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए जो गवर्नमेंट है वेरियस सब्सिडीज देती है जैसे फूड सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी पेट्रोलियम सब्सिडी एक्सपोर्ट सब्सिडी एक्सेट्रा और इसकी वजह से भी जो फिजिकल डेफिशिएट है वो इंक्रीज होता है देन इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया को वेरियस एक्सटर्नल का सामना करना पड़ा है वेरियस ओकेजन पर लाइक इन 1999-2000 कारगिल बैटल हुई उसने डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो ये भी रीजंस रहे हैं कि क्यों फिजिकल जो डेफिशिएट है आपका इंक्रीज होता है द नेक्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आप इन्वेस्ट करते हो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लेकिन जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे मिलता है वो बहुत कम है तो ये जो पुअर परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की इसकी वजह से भी फिजिकल डेफिशियट होता है देन पुअर टैक्स कलेक्शन टैक्स इवेशन जो है कॉमन है बिजनेस क्लास जो करती है जिसकी वजह से पुअर टैक्स कलेक्शन होती है देन ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो गवर्नमेंट है वो खुद बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड करती है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इलेक्शंस करवाने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओवर स्टाफ है तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट करती हैं और

मेन ऑब्जेक्टिव था रिफॉर्म्स का कि को कम किया जाए तो जो ऑब्जेक्टिव है ये वो अचीव किया गया थ्रू फॉलोइंग सबसे पहला मेशर्सिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम सिंप्लीफाई करने के लिए टैक्सेशन सिस्टम को जो रिकमेंड किया था राजा चिल्ली टैक्सेशन रिफॉर्म कमेटी ने गवर्नमेंट ने सेवरल स्टेप्स लिए और इन्होंने बहुत रिलीफ प्रोवाइड करवाया टैक्स टैक्स, पेयर्स को, योर स्कोप ऑफ़ रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने सेवरल मेजर्स लिए हैं, जिससे जो स्कोप ऑफ टैक्स है वो इम्प्रूव हुआ है अब ज्यादा से ज्यादा पर्सन जो है वो अंडर आए हैं इन दैट देन नेक्स्ट रिडक्शन इन रेट्स ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस जो पॉलिसी है रिफॉर्म की उसका एम होता है कि जो रेट ऑफ टैक्सेस है उसको कम किया जाए टैक्स रेवेन्यू इससे इंक्रीज होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ग्रेजुअली लोअर कर रही है रेट्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने सक्सेसिव बजट्स में द नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट है वो परसिस्टेंट एफर्ट्स कर रही है रिफॉर्म करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स पे और इसी में एक जो बड़ा स्टेप लिया गया दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ

इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस टैक्स 1994-95 में सर्विस टैक्स स्टार्ट हुआ इंडिया में इनिशियली जो ये टैक्स था वो एप्लीकेबल था फ्यू सर्विसेज पर लेकिन अब एक्सेप्ट 19 सर्विसेज ऑल टाइप्स ऑफ जो सर्विसेज हैं उन्हें कवर किया गया है इस टैक्स के अंडर इन 2016-17 जो सर्विस टैक्स का रेट था वो फिफ्टीन था इंक्लूडिंग स्वच्छ भारत सेस ऑफ जीरो एंड किसान कल्याण सेस ऑफ जीरो अब जो सर्विस टैक्स है उसे मर्ज कर दिया गया है गुड्स एंड सर्विस इज टैक्स में द नेक्स्ट इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट 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 एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ने सेवरल मेजर्स लिए हैं अननेसेसरी को चेक करने के लिए तो जो भी आपके डिस इन्वेस्टमेंट है पब्लिक एंटरप्राइजेस में जिसकी वजह से लॉसेज हो रहे हैं जो भी आप सुपर फेलियस अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं उन्हें बैन कर दिया गया है और इन सब मेजर्स की वजह से जो गवर्नमेंट है वो पार्शली सक्सीड हुई है जो अननेसेसरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम करने में नेक्स्ट इज रिडक्शन इन सब्सिडीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे ह्यूज पेमेंट पे करनी पड़ती है बाय वे ऑफ सब्सिडीज जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडीज एक्सपोर्ट सब्सिडीज फूड सब्सिडीज एक्सेस्ट्रा गवर्नमेंट ने सीरियस एफर्ट्स किए हैं इन सब्सिडीज को रिड्यूस करने के लिए देन नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन टैक्स कलेक्शन टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स इवेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो टैक्स इवेशन है उसको चेक करने के लिए वेरियस स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट करना स्ट्रेंथन करना जो भी नॉर्म्स है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के उनको वॉलंट्री डिस्क्लोजर स्कीम्स लेके आना ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न मैंडेटरी करना सेसिस के लिए एक्सटेंशन करना ई पेमेंट फैसिलिटी ऑफ टैक्सेस की कंडक्ट करना टैक्स रेड एक्सेट्रा वेरियस स्टेप्स हैं देन नेक्स्ट इज क्लोजर ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिए हैं जो भी आपकी लॉस मेकिंग और सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं ये भी एक स्टेप है रिड्यूस करने का बर्डन को ये लॉस जो आ, आपकी कर रही है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गवर्नमेंट एक्सटेकर को देन नेक्स्ट इज योर इन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट यूनिटेस्टमेंट का मतलब है कि जो शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के उन्हें सेल कर दिया जाता है प्राइवेट हैंड्स को तो थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट है उसे ह्यूज फंड्स मिलते हैं और जिससे जो गवर्नमेंट है ओवरकम करती है फाइनेंशियल क्रंच को दे नेक्स्ट इज एफर्ट्स टू रिड्यूस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने ऑफर किए हैं अट्रैक्टिव वॉल्ट्री रिटायरमेंट स्कीम एम्प्लॉयज को ताकि जो ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है उसे कम किया जा सके गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है सेंशनिंग न्यू पोस्ट कुछ डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है जो भी वो ग्रांट स्टेट्स को दे रही है और प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूशंस को दे रही है इनैक्ट किया है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट टू ताकि रिड्यूस किया जा सके फिजिकल डेफिशियट को जो टारगेट्स है

टू मेन कंपोनेंट्स है एक है सेंट्रल जीएसटी एक है स्टेट जीएसटी और जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी जो लगाया जाता है इंटर सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जो जीएसटी टैक्स रेट है वो अबाउट फिफ्टी परसेंट है कंज्यूमर गुड्स पर जो एग्जाम है फ्रॉम जीएसटी और जिसके ऊपर जीरो गोल्ड है उसके लिए प्रपोज है जीएसटी एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट और जो अदर गुड्स हैं उनके ऊपर है, तो इसके साथ ये जो चैप्टर है फिजिकल डेफिशिएट का वो कम्पलीट होता है नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच